हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस का समाधान। जी हाँ, जीएस का समाधान जो डेली आपके लिए आता है सुबह 10 बजे। ठीक है, तो जीएस के समाधान के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे आज का सब्जेक्ट क्या है आपके लिए, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री की तरह साइंस भी है आपके लिए, यहाँ पे ज्योग्राफी भी है, और आपके इसके अलावा आपके यहाँ पे जो साइंस में भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी दो पार्ट में, यानी बायोलॉजी अलग होगी और फिजिक्स केमिस्ट्री अलग होगी। ठीक है, अब देखो, अगर इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर भी थोड़ी बहुत पढ़नी है, ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आजकल बड़ी समस्या होती है, तो करंट अफेयर के लिए यहाँ पे एक डिजी बुक है आपके लिए, और उस डिजी बुक्स के आप काम करना, योर क्लासेस पे जाकर के ऐप पे, वहां पे आप डाउनलोड करके डीजी बुक को पढ़ के देखना, अगर पसंद आती है तो ये गवर्नमेंट 10 नाम का वहां पे कूपन कोड है, उसको अप्लाई करना और 10% की छूट भी ले लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास किस चीज पे, हमारी एंशियंट और मिडवेल यानी प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पे। पहला सवाल क्या है प्राचीन और मध्यकालीन में, यहां पे सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, मौर्य, गुप्ता या फिर कुषाण। 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। एंड टाइम अप। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, देखो एक चीज याद रख लो, आप महात्मा गांधी याद है आपको, ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी याद कर लो पहले, तो शॉर्ट में क्या, मोहनदास करमचंद गांधी, और करमचंद गांधी के साथ क्यों याद करूं, तो ये हो गया आपका शॉर्टकट। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी को क्यों याद करूं, ठीक है, तो एम के यू और जी, एम से क्या हो जाएगा आपका मौर्यवंश। मौर्यवंश कब आया है आपका, मौर्यवंश आया है 322 BC में, और वहीं अगर बात की जाए गुप्ता वंश की, मौर्यवंश के आपके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त। ठीक है, और वहीं अगर आपसे बात की जाए यहाँ पे गुप्त वंश की, तो ये सबसे आखिरी में आया है, ये कब आया था आपका 275 AD में, तो महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी या मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये 275 AD में यहाँ पे इसके शासक कौन थे, ये थे आपके, ये भी यहाँ पे आपके चंद्रगुप्त थे। ठीक है, एक थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे कौन थे, चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए, और वहीं अगर बात की जाए कण्व वंश की, कण्व वंश से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है किसके संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे वासुदेव, जो किस समय थे आपके, तो वो थे आपके 73 BC में, कब थे आपके 73 BC में, तो एम के जी, इसको याद करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, निम्न में से कौन सा ऐसी चीज है जो वहां के उस समय के पहले समय के आर्य जो है नहीं करते थे। 5 सेकंड है, ध्यान से सोचना केवल मेटल के बारे में, जवाब अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए, जवाब आपको अपने आप मिलेगा मेटल से अगर जुड़ा होगा तो। टाइम अप। तो देखो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहार का काम। अब आप कहोगे देखो पहले यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, पॉटरी का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी तो हर जगह हर समय होती है। ठीक है, तो यानी ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बच्चा सोना, तो याद रखो सोना आपका हमेशा आदिकाल से रहा है, आदिकाल मतलब जब से आर्य यानी कि वैदिक काल रहा है, तो वैदिक काल में अगर सोना है तो फिर आर्यों के पास भी रहा होगा। और नेक्स्ट क्या है, कारपेंट्री, तो लकड़ी और पॉटरी, ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गए, उस समय आपका क्या था, सोना भी था, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, लोहार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे वैदिक काल की, तो वैदिक काल में आपके जो महत्वपूर्ण भाग हैं उसके लिटरेचर के, वो एग्जाम में बहुत आते हैं, तो एक है वेदा, ठीक है, इसके अलावा एक को कहते हैं ब्राह्मण, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका अरण्यक, और लास्ट में आता है उपनिषद। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, वेदा, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। ठीक है, तो ये आपके चार वेद हैं, आपके भाग हैं किसके, वैदिक लिटरेचर के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जीवक चिंतामणि जो तमिल में है वो किस चीज संबंधित है, फोटो भी बनी अगर पहचान पाओगे तो राइट आंसर आपको मिल ही जाएगा। 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। एंड टाइम आप। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये हैं आपके ऋषभ देव। अब मुझे बताओ ऋषभ देव किससे संबंधित है, तो आप कहोगे जैनिज्म से। तो जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है आपकी, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब देखो जीवक चिंतामणि का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक अमूल्य जैम या फिर हीरा, हीरा मोती कह सकते हैं उसको। ठीक है, ये है क्या, ये एक पोयम है, क्या है आपकी, पोयम है, किसके ऊपर थी, जीवक की, जीवक नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी प्रेम कथा के रूप में एक जो पोयम बनाई गई थी उसे क्या कहा गया था, जीवक चिंतामणि। ठीक है, और इसको यहां पर लिखने वाले कौन थे, एग्जाम में सवाल आता है, तो आप कहेंगे थिरुथक, क्या नाम था इनका, थिरुथक्का
थेवर, थिरुथक्का थेवर, ठीक है। तो अगर था करते हो तो याद हो जाएगा थिरुथक्का थेवर, जो कि एक जैन भिक्षु थे। इसीलिए ये जो आपका जैन जीवक चिंतामणि है वो किस पे बेसिस है, जैनिज्म के ऊपर बेसिस है, ठीक है। और वहीं अगर बुद्धिज्म की बात की जाए तो त्रिपिटक कभी मत भूलना, ठीक है। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और आपका विनय पिटक, ठीक है। तो ये जो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और क्या है आपका विनय पिटक, तो इसमें ये आपका ये बना देगा सेवी, क्या बना देगा सेवी, सुत्त पिटक, अभिधम्म और विनय पिटक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिल्क रूट जो भारतीयों के लिए किसके द्वारा खोला गया। तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सोना किसके द्वारा लाया गया। हिंट थी, 5 सेकंड में जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड टाइम अप, तो देखो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सोना लाने वाले भी कौन थे, कनिष्क थे ना, ठीक है। तो यहां पर सिल्क रूट बीच किसने खोला होगा आपका, कनिष्क के द्वारा ही खोला गया था, ठीक है। अब देखो ये जो कनिष्क हैं आपके, ये आपके कह सकते हैं कि ये उस समय के लोग हैं जिन्होंने हान डायनेस्टी का जो एक चाइना में थी उनके द्वारा वहां पे क्या बनाया गया था, सिल्क रूट बनाया गया था। तो उसी के लगभग समानांतर में कौन थे आपके, यहाँ पे कनिष्क भी थे, ठीक है। तो एक चीज और याद रखनी यहाँ पे आपको कनिष्क के बारे में, कि जो चौथी बुद्धिस्ट समिति होती है यानी काउंसिल होती है आपकी, ये काउंसिल भी किसके समय में होती है, ये होती है कनिष्क के समय में, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपसे सिल्क रूट की, तो सिल्क रूट जो है आपका ये एशिया से इंडिया से होता हुआ पहुंचता था यूरोप की तरफ, कहां पे पहुंचता था, जैसे आजकल चाइना नहीं है जो ट्रेन चला रहा है आपकी, तो उसी तरीके से एशिया को जोड़ता था आपका यूरोप, कहां से होते हुए इंडिया से होते हुए, ताकि एक तो यहां पे सिल्क वो बेच पाए और उसके अलावा मसाले भी बेच पाए। तो सिल्क और मसालों के लिए यहां पे किसका उपयोग किया गया था, सिल्क रूट का, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और वहीं अगर पूछ लिया जाए फाहिन किसके समय में आए थे, तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय यानी C2 के टाइम पे आए थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामने आपकी ये पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। पूछा गया है ये पेंटिंग किससे प्रेरित है, देखो चित्र में जो है कई सारे लोग बने हुए हैं, उनको पहचानो और जवाब दो 5 सेकंड में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए टाइम अप, तो देखो यहाँ पे ये जो भिक्षु ही तो बने आपके बौद्ध, यहाँ है कि या फिर जैन भिक्षु थे, तो यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये थे बौद्ध भिक्षु, ठीक है। ये सब आपके कौन है, बौद्ध भिक्षु हैं। और ये जो आप स्टोरी देख रहे हो, ये इसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे जातक स्टोरी कहते हैं, क्या कहते हैं, जातक कथा का नाम सुना है ना, तो ये जातक कथाएं हैं। तो जातक कथाएं भी किसके जीवन पे थी आपकी, बुद्धा के जीवन पे थी, जो कि कहाँ पर बनाई गई थी, अजंता की गुफाओं में बनाई गई थी। अच्छा अगर बात करें अजंता है कहाँ पर, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र, लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसे पूछ लेगा कि महाराष्ट्र नहीं देगा वहां पे, वहां दे देगा औरंगाबाद, क्या दे देगा औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में दूसरी शताब्दी में यानी सेकंड सेंचुरी में आपकी बनाई गई थी यहां पे अजंता की यहां पे दीवारें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यवनिका या कर्टेन किसके द्वारा लाए गए। तो इतना याद रखो कोई विदेशी ही रहा होगा, ठीक है। हिंट के लिए जरा 5 सेकंड में जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। तो एंड टाइम अप, तो देखो यहाँ पे एक चीज हमेशा जान लो कि सभ्यता सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई थी, ग्रीक में। तो वहीं पे तो सबसे पहले क्या आए होंगे, कर्टेंस आए होंगे किसके लिए, ये देखो थिएटर है ना, थिएटर में जब खुलना होता, शुरू होना होता, उससे पहले ये खुलते हैं, तब वहाँ से कलाकार आते हैं। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ होगा, जहाँ पे सबसे पहले सभ्यता आई, सभ्यता कहाँ पे आई, ग्रीक में। तो अगर देखो यहाँ पे मैं आपसे अलग अलग जो लोग हुए, तो सबसे पहले विदेशी ग्रीक कौन थे, या यूनानी कह सकते हैं उनको, यूनानी कौन थे आपके, तो आप कहेंगे सर सिकंदर थे। लेकिन सवाल ये आएगा कि सिकंदर किस वर्ष में आया था, तो सिकंदर आया था 326 बीसी में, जिसने किसको हराया था, ये भी आपके एग्जाम का सवाल है। तो पोरस को उसने हराया था झेलम नदी के किनारे। अच्छा अगर वाकई में देखा जाए तो यहां पे यूनानी का मतलब क्या है, यानी ग्रीक नहीं है बल्कि यूनानी का मतलब क्या हुआ, तो ये बैक्ट्रियन लोग थे। कौन थे आपके, बैक्ट्रियन लोग थे, जिन्हें हम लोगों ने यूनानी शब्द दिया था, ठीक है। अब वहीं अगर बैक्ट्रियन की अगर आपसे बात की जाए, तो इस बैक्ट्रियन से ही या फिर आपके यहाँ पे कह सकते हैं ग्रीक यहाँ से एक आर्ट निकलती है, उसे कहते हैं हेलिनिस्टिक आर्ट। क्या कहते हैं, हेलिनिस्टिक आर्ट। एग्जाम में पूछा जाता है कि हेलिनिस्टिक आर्ट किस पे बेसिस है, तो आप क्या बताएंगे, ग्रीक सभ्यता पर बेसिस है, ठीक है। चलिए और वहीं अगर शक की बात कर ली जाए, तो शक में यहाँ पर आपके लिए एक नाम सुना होगा आपने, रुद्र दामन का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो रुद्र दामन ने यहाँ पे सुदर्शन झील का आपका क्या कराया था,
पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ स्थित है? 5 सेकंड है, यह है बृहदेश्वर टेम्पल, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करो। साउथ इंडिया में होगा ये तो क्लियर है, लेकिन कहाँ होगा ये हमें बताना है। चलिए एंड टाइम आप, तो देखो यहाँ पे आपका बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है, और ये जो ऊपर कैप जैसी देख रहे हो ना, इसको विमाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमाना कहा जाता है। और इस यहीं पे आपका एक और होता है गोपुरा, जहाँ पर आपका यहाँ पे क्या होता था, नृत्य वगैरह होता था। ठीक है, तो ये तो हो गई वहाँ पे आपके किसके बारे में, टेम्पल के बारे में। अब अगर बात की जाए तो इसमें किसकी पूजा होती है, तो यहाँ पे भगवान शिव की पूजा होती थी। किसकी होती थी? भगवान शिव की। और ये तंजौर है कहाँ पर अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, और इस बृहदेश्वर टेम्पल को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था अगर आ जाए तो क्या बताओगे? तो बताओगे राजा चोला। क्या नाम था? राजा चोला। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लो कि ये एक यूनाइटेड वर्ल्ड हेरिटेज है। जी हाँ, एग्जाम में सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक यूनेस्को की क्या है, आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है। ठीक है, चलो अब अगर वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ मदुरई की, तो मदुरई में यहाँ पे आपका बहुत एक फेमस टेम्पल है, नाम है मीनाक्षी टेम्पल, नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो ये जो मीनाक्षी टेम्पल है आपका, ये बनाया था कुलशेखर पांड्या ने। किसने बनाया था? कुलशेखर पांड्या ने। याद रखिएगा इसको, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। अच्छा, अगर श्रीशैलम की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ये क्या है आपका, तो ये तो ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? श्रीशैलम में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपिटल सिटी दायदो कुबलई खान के द्वारा कहाँ पे स्थापित की गई? ठीक है, यहाँ पे आपके सामने मंगोल का आपका एम्पायर भी बना हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दोगे जवाब अपने आप मिल जाएगा। 5 सेकंड है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है सबको। चलिए टाइम अप, तो देखो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग। क्या हो जाएगा? बीजिंग। तो देखो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पे जो सबसे पहले मंगोल के एम्पायर में आए थे तो वो कौन थे? चंगेज खान या गेंगीज खान कहते हैं ना उसको। ठीक है, तो गेंगीज खान ने यहाँ पे कराकोरम में आपकी क्या बनाई थी? कैपिटल बनाई थी। फिर इसके बाद आपके कौन आते हैं? कुबलई खान। इनके कौन हैं आपके? इनके पोते हैं। ठीक है, तो कुबलई खान के पिता का नाम क्या था? तैमूर। क्या नाम था? तो जंगीज, तैमूर और कुबलई। तो कुबलई ने क्या किया, ये जो कराकोरम की कैपिटल है ना, इसे पहुंचा दिया बीजिंग। कहाँ पहुंचा दिया? बीजिंग। यहाँ पर है आपका बीजिंग। तो बीजिंग को इन्होंने नाम क्या दिया था? दायदो नाम दिया। तो कुबलई खान ने दायदो नाम दिया, उसे कहाँ पे शिफ्ट कर दिया था आपका? बीजिंग में शिफ्ट किया। कहाँ से? कराकोरम से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सी सदी चल रही होगी जब चंगेज खान ने मंगोल एम्पायर को बनाया होगा? तो सदी थी आपकी 13वीं सदी। अच्छा, अगर इसको याद करना होगा कौन पहले आया कौन बाद में, एक शब्द याद कर लो, घातक। मूवी भी थी। ठीक है, तो घातक से क्या हो गया आपका? GTK। ठीक है, तो घातक में आपका जी से क्या हो गया? चंगेज, तैमूर और यहाँ पे आपका क्या हो गया? कुबलई खान। ठीक है, चलिए, और वहीं कुबलई खान के द्वारा ही युआन डायनेस्टी का भी प्रारंभ किया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए, बहमनी किंगडम साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करो, थोड़ा सा टिपिकल है। टाइम अप, तो देखो यहाँ पे आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन के द्वारा आपका यहाँ पे बहमनी सभ्यता का क्या किया गया था, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे उसे स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन जो हसन थे आपके, ये किस समय की हम लोग बात कर रहे हैं? ठीक है, तो ये था आपकी 14वीं शताब्दी या सदी कह सकते हैं इसको, जब हसन के द्वारा यहाँ पर गुलबर्ग कैपिटल बनाई जाती है। किसकी? आपके बहमनी किंगडम की। ठीक है, और वहीं देखो अगर बात की जाए तो हसन के बाद यहाँ पे एक और शब्द देख रहे हैं, मोहम्मद शाह। तो हसन के बाद कौन आते हैं आपके? मोहम्मद शाह आते हैं। ठीक है, और वहीं इसके बाद में कौन आते हैं? फिरोज शाह आते हैं। कौन आते हैं आपके? फिरोज शाह आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कौन सी सभ्यता के, कौन सी आपकी डायनेस्टी हो गए? बहमनी किंगडम के। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, यही वो मोहम्मद शाह हैं जिन्होंने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। तो अगर पूछा जाए कि बारूद का प्रयोग क्या किया था, तो दो तरीके से आंसर बनता है, एक हो गया मोहम्मद शाह के द्वारा और दूसरा बहमनी किंगडम के द्वारा। अच्छा, अगर मान लो इसको याद करना हो तो कैसे याद करोगे इन तीनों का नाम? तो इसको इस तरीके से याद कर लो कि हंसते हुए मोहम्मद ने फिरोज को बुलाया, हंसते हुए मोहम्मद ने फिरोज को बुलाया। तो ये हो गई आपकी बहमनी डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे हसन, मोहम्मद शाह और फिरोज बहमनी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे,
रायगोपुरम। अच्छा पहले रायगोपुरम के बारे में जान लीजिए। पूछा सवाल ये पूछा गया जो अलग अलग टेम्पल है चाहे वो हम्पटी हो या फिर श्रीरंगपट्टनम हो, ठीक है। सवाल ये पूछा गया आपसे कि इसके बारे में रायगोपुरम इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, ये फोटो देख रहे हो ना, एंट्रेंस है ये, तो पूछा गया है ये जो एंट्रेंस है इसको अलग अलग टेम्पल में किसने बनवाया था, ठीक है। अब ये सोचो कि सबसे अच्छा नेता इनमें से या राजा कौन है, जवाब अपने आप मिल जाएगा। 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। टाइम अप। तो देखो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। जी हाँ, कृष्णदेव राय को सबसे अच्छा नेता माना जा सकता है, क्या राजा माना जा सकता है, ठीक है। तो कृष्णदेव राय के द्वारा विजयनगर आपका एक यहाँ पे क्या था, एक एम्पायर था, ठीक है। उस विजयनगर एम्पायर की यहाँ पे आपके किसने शुरू किया था, तो हरिहर के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था, हरिहर और इनके साथ में एक और थे बुक्का, तो हरिहर बुक्का के द्वारा इनको क्या किया गया, स्थापित किया गया और कैपिटल बनाई गई हम्पी। कहाँ बनाई गई थी, हम्पी। तो इसी में आपके कृष्णदेव राय द्वारा, कृष्णदेव के द्वारा रायगोपुरम की स्थापना की गई हम्पी तिरुमलाई चिदंबरम और श्रीरंग टेम्पल में। क्या है ये, एक एंट्रेंस है। और वहीं अगर पूछ लिया जाए कि ये कौन से वंश के थे, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के सवाल भी आए हैं, तो ये तुलुव वंश के थे। कौन से वंश के थे, तुलुव वंश के थे और इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, लाख बख्श किसको कहा जाता है। बहुत रिपीटेड सवाल है, इसका जवाब सबको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए टाइम अप। तो देखो यहां पे तो राइट आंसर क्या होना ही चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। उम्मीद करता हूं आप लोग भी सही यहां पे जवाब दे पाए होंगे, ठीक है। तो देखो कोई भी यहाँ पर अगर आप नाम देख रहे हैं तो ये सब किससे जुड़े हैं, स्लेव डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिसकी शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 13वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी थी आपकी, 13वीं शताब्दी। तो होता क्या है, मोहम्मद गौरी कई बार आता है, तो तभी वो एक बार अपने गुलाम के रूप में लाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर, ठीक है। और इसके साथ में दो और गुलाम भी होते हैं, एक होता है आपका इल्तुतमिश और वहीं दूसरा एक और होता है, उसका नाम होता है बलबन। क्या नाम होता है, इल्तुतमिश और बलबन। तो इतना याद रख लो ये दोनों ही इलबरी तुर्क थे। क्या थे, इलबरी तुर्क थे, जो किसके साथ आए थे आपके, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, ठीक है। अब अगर देखो बात कर ली जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत फेमस एक आपकी मीनार बनाई थी, क्या नाम था उसका, कुतुब मीनार, ठीक है। और इसी कुतुब मीनार के बाद अगर मैं बात करूं इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पे आपकी जो लाहौर की जो कैपिटल है ना, इसे शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली। तो पूछा ये जाएगा कि किस स्लेव डायनेस्टी के राजा के द्वारा दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, तो यहाँ पे आप क्या जवाब देंगे, इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। और वहीं अगर बलबन की बात कर ली जाए तो बलबन के द्वारा बड़ी ही फेमस यहाँ पे लौह रक्त की नीति दी गई थी। कौन सी नीति दी गई थी, लौह रक्त की नीति दी गई थी, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब देखो अगर मुझे यहाँ पे याद करना है कि कौन कब आया, नहीं याद हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद कौन आया आपका, इल्तुतमिश, और उसके बाद कौन आया आपका यहाँ पे, इसके बाद आए बलबन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, केवल QIB, ठीक है, या फिर बिका याद कर लो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, शिवाजी की काउंसिल में प्रधानमंत्री किसको कहा जाता था। ये देखिए फोटो भी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उसका नाम बता दो, 5 सेकंड है, जल्दी से बता दो इनको क्या कहा जाता था। एंड द राइट आंसर इज, राइट आंसर क्या था, पेशवाई तो इनको कहा जाता था, ठीक है। तो पेशवा कहा जाता था यहाँ पे किसके द्वारा, शिवाजी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मुखिया होते थे। पेशवा एक प्रधानमंत्री का पद भी था, ठीक है। और ये जो शिवाजी के द्वारा यहाँ पे अष्ट प्रधान बनाए गए थे, ये उसी का एक भाग था। क्या था आपका, अष्ट प्रधान, ठीक है। अष्ट प्रधान मतलब 8 प्रमुख व्यक्ति। अच्छा शिवाजी के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये पूछा जाता है कि यहाँ पे मराठा वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन थे आपके, शिवाजी थे, ठीक है। और वहीं अगर अष्ट प्रधान की आपसे बात कर ली जाए फिर से, तो देखो इसमें एक और पद होता है सेनापति का, तो सेनापति को हम लोग कहते हैं सर सनोवर। क्या कहते हैं, सर सनोवर। और इसके अलावा था एक और इंपॉर्टेंट है आपका राजस्व मंत्री, तो राजस्व मंत्री को हम लोग कहते हैं अमात्य। क्या कहते हैं, अमात्य। तो अमात्य कौन हो गए आपके, राजस्व मंत्री, सेनापति कौन हो गए, सर सरोवर, और आपके पेशवा कौन हो गए आपके, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की, ठीक है। यहाँ पे फोटो भी बनी हुई है, अगर कोई नाम आपको यहाँ पे याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए।
टाइम अप, तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया था, महाबलीपुरम, ठीक है, तो महाबलीपुरम की यहाँ पे स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पल्लव डायनेस्टी के द्वारा, ये है पल्लव डायनेस्टी। एक चीज उसमें याद कर लीजिए, जो पल्लव डायनेस्टी है कौन सी सदी में आई थी, पांचवीं सदी में आई थी, ठीक है, और पांचवीं सदी में ही एक और वंश था चालुक्य वंश, ठीक है, तो इनमें आपस में हमेशा लड़ाई बहुत चलती थी, कौन कौन से वंश थे, चालुक्य वंश और पल्लव वंश। अच्छा, ये पल्लव वंश आपका कहाँ पे आ रहा है, तमिलनाडु में, तो पांड्या भी तो तमिलनाडु में आ रहा है, और वहीं का चेरा वंश को देखो तो कहाँ पे है आपका, केरल में, ठीक है, तो केरल में कौन सा है आपका, चेरा वंश, और तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, पल्लवा और पांड्या, और वहीं बीच में एक और वंश आता है जिसे कहते हैं चोला वंश, ठीक है। अच्छा, पूछ लिया जाए कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे सिम्हा विष्णु ने की थी, किसने की थी, सिम्हा विष्णु। इसी में एक राजा थे आपके नरसिम्ह वर्मन, क्या नाम था, नरसिम्ह वर्मन, उन्हीं ने महाबलीपुरम की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ग्रांट ट्रंक रोड की स्थापना किसने की, बहुत रिपीटेड सवाल है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। टाइम अप, तो देखिए यहां पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑब्वियस जो आंसर है वो क्या है, शेर शाह सूरी, ठीक है, तो शेर शाह सूरी दुर्गा, देखो ये काबुल अफगानिस्तान से लेकर के कहां तक थी आपकी, कलकत्ता तक ये बिछी हुई थी ग्रांट ट्रंक रोड, जिसपे व्यापार आपका किया जाता था, ठीक है। अब देखो ग्रांट ट्रंक रोड के अलावा अगर शेरशाह सूरी के बारे में अगर आपको कोई फैक्ट याद रखना है तो वो ये कि इसका मकबरा कहाँ है, कई बार पूछा गया, तो ऐसे याद कर लो, सा से क्या है, शेरशाह सूरी, तो इसमें सा बहुत है, बस ये याद कर लो, सा बहुत है, तो सासाराम में क्या थी इनकी, मकबरा था, ठीक है। और वहीं अगर देखो अशोक के बारे में बात की जाए, तो अशोक के बारे में एक चीज याद रख लीजिए, इनके नाम से शिलालेख बहुत सारे हैं, क्या ना है आपके, शिलालेख यानी इंक्रिप्शंस, और इसी का एक बहुत महत्वपूर्ण है 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध, जिसके माध्यम से अशोका ने बुद्धिज्म के तरफ यहां बढ़ावा मिला था, तो 13वां आपका यहां पे जो इंक्रिप्शन है उसमें क्या बताया गया है, कलिंग वॉर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मुगल जागीर से आप क्या समझते, ध्यान से पहले शब्द पढ़ो, मुगल जागीर लिखा हुआ है ना, तो मुगल जागीर में यहां पे क्या पूछा गया है, पद पूछा गया है या फिर प्रॉपर्टी, ध्यान से सोचना और 5 सेकंड में जल्दी से जवाब बता दो। चलिए टाइम अप, तो देखो यहां पे राइट आंसर होगा ऑफिसर के बारे में पूछा, ऑप्शन देखो यहां पे जागीरदार के बारे में तो आपसे पूछेगा, मुगल जागीर से उसका क्या मतलब हुआ, मुगल की तो पूरी डायनेस्टी होती थी, ध्यान से सोचना कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो जागीरदार के बारे में पूछा गया तो ऑफिसर, यानी बाकी सारे ऑप्शन आपके यहां पे क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है ना। अब देखो आगे, जागीरदार मतलब कौन होता था, वो व्यक्ति जो टैक्स वसूलता था लोगों से, और किसको देता था, मुगलों को देता था, ठीक है, और इसी के अंतर्गत एक बहुत आपकी एक मनसबदारी प्रथा शुरू हुई थी, कौन सी, इसके बाद शुरू हुई थी मनसबदारी, और इसको शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप बताएंगे अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 16 सवाल पूछा गया है कि भक्ति और सूफी आंदोलन में क्या समान नहीं था, 5 सेकंड है, ध्यान से सोचना, क्योंकि भक्ति आंदोलन में आपके यहां पर अगर तुलसीदास हुई हैं तो कबीर भी हुए, 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब दे दो। एंड द राइट आंसर इज वर्शिप ऑफ आइडल, जी हाँ, मूर्तियों की पूजा जो है ये दोनों में कॉमन नहीं थी, भाई सूफी तो आपका क्या था, इस्लाम से प्रेरित था, तो यहाँ पे म्यूजिक यानी आपके संगीत के माध्यम से बढ़ावा देने को कहा गया था, लेकिन आइडल की तो कोई बात हो ही नहीं सकती थी, तो बाकी सारे ऑप्शन चाहे मिस्टिसिज्म हो, चाहे आपका यहाँ पे दरगाह पे जाना हो या भगवान से प्यार करना, ये तो तीनों में थे, लेकिन वर्शिप ऑफ आइडल आपके देखो भक्ति आपने आंदोलन था, ठीक है, ये भक्ति आंदोलन दो प्रकार से शुरू हुआ, एक हुआ निर्गुण रूप में, यानी कि इसमें भगवान का कोई रूप नहीं माना गया, और दूसरा सर्वगुण रूप जिसमें मूर्ति पूजा को लगाया गया, तो इसीलिए भक्ति मूवमेंट में क्या है आपका, निर्गुण रूप, जैसे आपने मीरा का नाम सुना है, मीरा हमेशा कृष्ण की आपकी क्या रखती थी, मूर्ति रखती थी, इसके अलावा अगर आप नाम देखो तो तुलसीदास, तो तुलसीदास भी क्या थे आपके, ये सब सर्वगुण आपके क्या थे यहाँ पे, कवि रहे हैं। वहीं निर्गुण की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपके लिए निर्गुण में कौन हो जाएंगे, यहाँ पे कबीरदास, कौन हो जाएंगे, कबीरदास, तुलसीदास कौन है, यहाँ पे आपके सगुण कवि, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, गंधार स्कूल आपका कहाँ से आया है, 5 सेकंड है, थोड़ा ध्यान से सोचना, फोटो भी बनी है गंधार स्कूल की, तो ध्यान से देखो और देखो कि किस सेक्ट में आएगा, हीनयान, महायान या फिर वैष्णव, ठीक है, 5 सेकंड है, जल्दी से बताइए इसका जवाब। का राइट आंसर क्या होगा, महायान सेक्ट। तो पहले ये समझो कि हीनयान आपका ये जो आपकी संप्रदाय है, हीनयान है क्या,
हीनयान जो है बुद्ध को वो एक आम आदमी मानता था, ठीक है, लेकिन महायान, महायान बुद्ध को भगवान मानता था और भगवान की तरह क्या करता था, पूजता था, ठीक है। तो ये जो गंधार स्कूल है इसकी फोटो हमेशा याद रखना, इस तरीके से बनी हुई है आपकी, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है आपका, महायान से संबंधित है, ठीक है। अगर ना याद रख पाना तो इसको ऐसे याद रख लेना, महान गधा, गधा मतलब वो वाला आजकल जो रामायण चल रही है ना उसका गधा, ठीक है, महान गधा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या ऑर्डर नहीं किया था, ठीक है, 5 सेकंड है, पहले सोच के बताओ क्या ऑर्डर नहीं किया था जब उसे ब्लैक मार्केटिंग को रोकना था, जैसे आजकल ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ऐसी उस जमाने में भी होती थी। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, उन्होंने खुद्म और मुकद्दम, ये खुद्म मुकद्दम को प्रिविलेज देने की कोई बात नहीं हुई थी। उसके अलावा अगर देखो तो एक चीज हमेशा याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी को यहां पर अगर जमाखोरी यानी कि बाजार में एक कह सकते हैं सामंजस्य लाने वाला पहला अगर राजा था वो कौन था आपका, अलाउद्दीन खिलजी था। मार्केट रिफॉर्म लाना, कैसे लाया था कि एक तो उसने कलेक्शन करने का सही तरीका निकाला, उसके अलावा वहाँ पे उसने किसानों को भी क्या कहा कि वहाँ पे अपनी क्रॉप का क्या करें, जायज़ा ले, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें थी, ये अलाउद्दीन से पहले कौन थे आपके, खुद्स और मुकद्दम, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत में कौन थे आपके, खुद्स और मुकद्दम, जो इकता व्यवस्था के अंतर्गत क्या करते थे आपके, यहाँ पे वसूलते थे टैक्स को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया देव नाम प्रियदशी, बहुत ईजी है, कमेंट बॉक्स में जवाब बताना, ठीक है। चलिए तो इसका जरा कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर, प्रियदशी, देव नाम प्रियदशी। तो इसका देखो राइट आंसर तो मेरे ख्याल से सबने सही लगाया होगा, अशोका को कहते थे, ठीक है। तो अशोका के लिए देखो यहां पे देखो देव नाम लिखा हुआ है ना, देव नाम प्रियदशी, यही है आपका इंक्रिप्शन, क्या है आपका इंक्रिप्शन। तो इस इंक्रिप्शन का नाम क्या है, ये एग्जाम में आता है, मस्की इंक्रिप्शन में अशोका को देव नाम प्रियदशी से प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ अब ये आपको लाइन याद रहनी चाहिए, ठीक है। देखो सवाल ये भी आता है कि अशोका के द्वारा कौन कौन सी भाषाओं में आपका इंक्रिप्शन को लिखा गया, तो इसको ऐसे याद कर लो, एक थी आपकी ब्राह्मी, दूसरी थी आपकी खरोष्ठी, ठीक है, तीसरी थी ग्रीक और लास्ट में थी अरमाइकी। क्या नाम था, अरमाइकी, ठीक है। तो अरमाइकी, ग्रीक, खरोष्ठी और ब्राह्मी, तो एक शब्द इसके लिए केवल याद कर लो, पेट में कब्ज होती है ना, बस ये याद कर लो। कैसे क्या हो गया, खरोष्ठी, ए से क्या हो गया अरमाइकी, बी से क्या हो गया आपका यहाँ पे ब्राह्मी और जी से क्या हो जाएगा आपका ग्रीक। तो उम्मीद करता हूँ कब्ज से अब भूलोगे नहीं कि अशोका के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं उपयोग की गई। चलिए आज का आखिरी सवाल है, सच्चा बादशाह किसे कहा गया है, मेरे ख्याल से ये हर एक को पता होगा, 5 सेकंड में जल्दी से बता दीजिए इसका जवाब। तो इसका देखो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हर गोविंद को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और जान लो, हर गोविंद के अलावा यहाँ पे गुरु गोविंद को भी सच्चा बादशाह कहा जाता है, ठीक है। तो अगर दोनों ऑप्शंस में से है तो पहले हर गोविंद लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। देखो हर गोविंद को जो है आपका, इन्होंने अकाल तख्त की क्या की थी आपकी, स्थापना की थी। तो ये पूछा जाता है कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की, तो आप क्या बताएंगे, हर गोविंद ने की थी, ठीक है। और वहीं अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि गोविंद सिंह ने यहां पर आपका क्या कार्य किया था, तो खालसा पंथ, जिसकी वजह से आज भी पंजाब में बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी हो चुकी हैं, तो ये खालसा पंथ आपका किसके द्वारा यहां पे, सॉरी लड़ाइयां नहीं हुई थी, मतलब ये पंथ आपका एक बनाया गया था, ठीक है। तो खालसा पंथ आपका किसके द्वारा शुरू हुआ था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो कि 10वें गुरु थे, क्या थे आपके, 10वें गुरु थे, ठीक है। और वहीं गुरु अर्जुन देव के द्वारा आपका गुरु ग्रंथ साहिब को निर्माण किया, लिखा गया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखी थी आपकी, अर्जन देव ने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज हम लोगों ने कई सारे फैक्ट्स अलग अलग टॉपिक से पढ़े, जाने और उनको याद किया, ठीक है। तो इसी तरीके से इन क्लासेस को ज्वाइन करते रहो, याद करते रहो, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।